नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रेंड्स इवेंट प्रोडक्शन में। तो दोस्तों हम कवर करने वाले हैं थाईलैंड वुमेन्स वर्सेस जिम्बाब्वे वुमेन्स के बीच फर्स्ट ओडीआई मैच है। डिप्लांस करेंगे स्टेडियम फुल स्टेप्स इनफो। दोनों टीमों के एक एक प्लेयर के स्टैट्स अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है हमारा, वो भी आपको इसी वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो लाइक करके शुरुआत करना। यदि आपने अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले मैचेस की वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों जो हमारा फाइनल अपडेट आपको मिलेगा, जो हमारी फाइनल टीम मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो अपने जल्दी से आके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों कभी कभार लिंक और करना रहे तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च करके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें @realfwp, आपको फैंस इवेंट प्रेडिक्शन का चैनल दिखेगा। 24,000 के आसपास सब्सक्राइबर होंगे, वही हमारा एकमात्र रियल चैनल है, उसी चैनल को अपने ज्वाइन करना। दोस्तों मेरे नाम से कुछ फेक चैनल भी लोगों ने बनाए हैं, तो प्लीज आप उनसे सावधान रहिएगा। और यूजर नेम @realfwp देख के 24,000 के आसपास सब्सक्राइबर देख के हमारे रियल टेलीग्राम चैनल को ही आपने ज्वाइन करना है। दोस्तों बात करें मैच की, मैच मॉर्निंग में सुबह 8:30 से स्टार्ट होगा। और दोस्तों मैच होने वाला है तड़थाई क्रिकेट ग्राउंड बैंकॉक थाईलैंड के अंदर मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों मैं की पिच की, तो ओवरऑल विकेट दोस्तों बैलेंसमैन की टीम क्रिएट करेगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पे बॉलर्स को एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। वुमेन्स मैचेस हैं, बहुत ज्यादा बड़े स्कोर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नहीं है। 50 ओवर में 180 से 200 के रेंज में स्कोरिंग देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों जो थाईलैंड की टीम है ये टीम मजबूत है, तो अपनी इनके फेवर में टीम बनानी है। पहली बार दोस्तों इनके होम ग्राउंड में मैचेस हो रहा है और दोस्तों इनके प्लेयर ना अच्छे लेवल पर क्रिकेट खेलते हैं। जैसे कि अभी फेयरब्रेक वुमेन्स T20 के मैचेस चल रहे थे हांगकांग के अंदर, इस टीम के इस प्लेइंग 11 में जो 5 से 6 प्लेयर ऐसे रहने वाले हैं जो कि फेयरब्रेक वुमेन्स T20 के अंदर खेल रहे थे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एन कोरोनजुंगई खेल रही थी, नथकन चैंथम खेल रही थी, इसके अलावा नेरोमोल चवई ने भी कुछ मैचेस खेले थे, चनिता सुथरांग भी वहाँ पर थी, भूजथम भी वहाँ पर थी, सोरोनाइन टिपोज भी वहाँ पर थी। आप सबको याद होगा ये 6 प्लेयर फेयरब्रेक T20 के अंदर खेल रहे थे, जो कि थाईलैंड वुमेन्स का हिस्सा रहेंगे। फेयरब्रेक T20 के अंदर सारे बड़े बड़े प्लेयर थे, उनके साथ लोग क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। कैसे प्लेयर आप सबको बताऊँ, अभी हेली मैथ्यूज थी, और इसके अलावा डैनी वार्ड थी, विश्वामारूप थी, टंकली थी, बड़ी बड़ी वहाँ पर प्लेयर थी, मरजानी कैप थी। तो उस लेवल पे खेलने का एक्सपीरियंस है, निश्चित तौर में थाईलैंड वुमेन्स की टीम मजबूत रहेगी। और दूसरी बात, इनको होम ग्राउंड पे मैच हो रहा है तो उसका भी इनको एडवांटेज जरूर मिलेगा। वही दोस्तों जो जिम्बाब्वे में उसकी टीम है वो काफ़ी कमजोर है। इस टीम से जो प्लेयर है फेयरब्रेक के अंदर एक ही प्लेयर खेली थी, वो भी वहाँ पर कुछ खास नहीं कर पाई थी। उसका नाम मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पे नंबर 5 पर आपको दिख जाए मैरी एन मुसुंडा, ये खेली थी। और आखिरी के 4 मैच ये इनका फेयरब्रेक का परफॉर्मेंस है, वहाँ पर 18-1-0-6 का स्कोर किया था। ना तो कोई वहाँ पर परफॉर्मेंस आई थी और ना ही बॉलिंग से कुछ था। ये एक ही प्लेयर थी जो वहाँ पे खेली थी फेयरब्रेक के अंदर, बाकी इनके कोई भी प्लेयर ऐसे नहीं जो यहाँ पे खेली हो। तो मतलब आपने यहाँ पे जिम्बाब्वे वुमेन्स की टीम थोड़ा सा कमजोर है। 4 से 5 प्लेयर अपने जिम्बाब्वे से लेना है और 6 से 7 प्लेयर अपने थाईलैंड से लेना है। स्टार्ट करते हैं थाईलैंड से। इनकी तरफ से आपको ओपनिंग करते दिखेंगे एन कोरोनजुंगई, उनके साथ ओपन करना आएंगे नथकन चैंथम। बात करें दोस्तों कोरोनजुंगई के, जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, इस टीम के अच्छे प्लेयर हैं। और वहाँ पे फेयरब्रेक के अंदर कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन अपने करियर में जो लास्ट के 5 गेम उन्होंने खेले हैं 8-0, 17-8 और 21 का स्कोर किया हुआ है। विकेट कीपिंग सेक्शन से मस्ट है, मजबूत टीम के कीपर हैं और साथ में ओपन करते हुए नजर आएंगी। कैप्टन वाइस कैप्टन तो ग्रैंड लीग के अंदर ही ट्राई करेगा, स्मॉल लीग में तो और प्लेयर रखे, क्योंकि कुछ प्लेयर आपको विकेट के पीछे से भी मिलेंगे कैचिंग और स्टंपिंग से, और कुछ आपको रन भी बना के दे सकते हैं। नथकन चैंथम थाईलैंड की सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, इनसे बेहतर स्टेम में कोई बल्लेबाज नहीं है। टेक्निकली एकदम सॉलिड है। फेयरब्रेक वुमेन्स T20 के अंदर भी इन्होंने कुछ अच्छी नॉक्स खेली थी, वहाँ पे 10-26-35-18-0 का स्कोर था, लेकिन ये फेयरब्रेक के अंदर था। इस लेवल पे तो आपको 150 ऐसा करते हुए देखेंगे, तगड़ी प्लेयर है। कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे ऑप्शन है, अपनी टीम में जरूर रखिए। वहाँ पे लास्ट गेम में इन्होंने बॉलिंग कराई, जहाँ पे एक विकेट निकाला, लेकिन दोस्तों जब थाईलैंड के लिए खेलते हैं तो बॉलिंग नहीं करती हैं और कहीं भी बॉलिंग नहीं करती हैं, बहुत कम रेयर केस में होता है 10-12 मैच में कभी एक आधा ओवर डाल दे, ऐसा होता है, नहीं तो बतौर बल्लेबाज खेलती हैं। अपनी टीम में ऐसा प्लेयर जरूर रखिएगा स्मॉल लीग में। ग्रैंड लीग के अंदर CBC चैंथम को जरूर से बनाइएगा। बात करें दोस्तों नेरोमोल चवई की, जो कि हैं तो एवरेज बल्लेबाज, राइट हैंड बैट्समैन, लेकिन कभी कभार रोक रोक के थोड़ा सा स्कोर कर जाते हैं, स्पेशली 50 ओवर क्रिकेट में। लास्ट के जो 5 गेम खेले 0-8-6-4, ये था इनका फेयरब्रेक के अंदर परफॉर्मेंस। उससे पहले जो डोमेस्टिक में खेला था एक मैच, 45 में की, तो लास्ट के 5 गेम में एक ही अच्छा स्कोर है। लेकिन GL के अंदर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जो बड़ा फॉर्मेट होता है जैसे 50 ओवर का गेम होता है, वहाँ भी थोड़ा सा रुक रुक के स्कोर कर जाते हैं, स्ट्राइक रेट इनका काफ़ी कम रहता है। लेकिन फिर भी GL में रोटेट कर लीजिएगा, स्मॉल लीग में मुझे नहीं लगता उतने अच्छे ऑप्शन आपके लिए रहने वाले, स्मॉल लीग को छोड़ सकते हो। टूर्नामेंटिक कर तो देखेंगे रोसे कनन कनो, जो कि राइट हैंड बैट्समैन, लास्ट के जो 3 गेम खेले हैं 2-12-38 की, ऐसे पर सिर्फ GL के अंदर ही ट्राई करेगा। चनिता सुथरांग राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम, लास्ट मैच जो खेला था फिर विकेट के अंदर, वहाँ पे 12 रन प्लस 3 विकेट थे, उसके पहले 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 10 रन 1 विकेट। कमाल के ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, नंबर 5 के आसपास खेलने आएंगे, अच्छे खासे आपको 8-10 ओवर की बॉलिंग करते देखेंगे, तो कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे ऑप्शन है। बात करें दोस्तों नथाया बुचेथम की, जो ऑफब्रेक बॉलर है, इनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था फेयरवेक के अंदर। आखिरी 4 मैच में इनका सिर्फ 1 विकेट था, लेकिन बढ़िया ऑलराउंडर है। थाईलैंड के लिए जब खेलती है हमेशा अच्छा करती है, बैटिंग से भी बैकअप देती है, नंबर 6 के आसपास खेलने आ जाएंगी, प्लस अच्छा खासा आपको ओवर करते हुए देखेंगे, तो बुचेथम भी आपकी टीम में होना चाहिए। सोरारिन टिपोज का भाई मतलब क्या ही बताऊँ, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इनके पास, थाईलैंड की सबसे सीनियर प्लेयर है अभी इस टाइम जो प्लेइंग 11 का बन रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस थोरान टिपोज के पास है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, ये कभी कभार ओपन तक कर जाती हैं, मतलब इनको टीम का, इनका जो बैटिंग पोजीशन रहता है ना, वो ज़्यादातर नंबर 7 पे रहता है, नीचे खेलती है, लेकिन जरूरत पड़ गई
ओपनर माली जल्दी आउट हो जाता है तो टीम इनको कभी भी टॉप ऑर्डर पे भी प्रमोट कर देती है। कई बार मैंने इनके थाईलैंड के लास्ट के 7-8 मैचेस का स्कोर कार्ड चेक किया, जिसमें से 1-8 मैचेस मैंने इनको बतौर ओपनर देखा, बाकी के सारे मैच में नीचे खेले हैं। तो चांसेस सिर्फ 5% है, 100 में से सिर्फ 5% है कि आपको ओपन करते नजर आएंगे, लेकिन 90-95% चांसेस नीचे खेलेंगे। लेकिन हिटिंग के लिए कभी भी ऊपर टीम इनको भेज सकती है, अच्छी एक्सपीरियंस लेके आती है उस हिसाब से, तो अपनी टीम में रखेगा क्योंकि बॉलिंग से अच्छा करके आ रही है। फेयरवेक के अंदर इनका लास्ट के 5 मैच का परफॉर्मेंस था 0 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, वहाँ पे आखिरी 5 मैच में 6 विकेट निकाले थे, तो यहाँ पे तो अच्छा करेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन भी अपनी टीम स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों जगह कर सकते हैं। बात करें दोस्तों ओ कोचम्फो की बहुत अजीब तो नाम है, और ब्रेक बॉलर लास्ट गेम में 2 विकेट, उसके पहले 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, लगातार विकेट निकाले अच्छे करके आ रहे हैं वेस्टइंडीज की, तो आपकी टीम में होना चाहिए। ये भी 1 विकेट टेकिंग बॉलर है। थानी समय को ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर लीजिएगा, लास्ट के जो 5 गेम है उससे 3 मैच में बॉलिंग कराई, जहाँ पर 1 विकेट मिला, तो आपने ग्रैंड लीग ट्राई करना, स्मॉल लीग रिस्की रहेंगी। सुलेख पोंडालाउ में बहुत अच्छी लेग ब्रेक बॉलर, हालांकि इनकी टीम पहले बॉलिंग करेगी तो शायद मैं इनको अपनी टीम में लूंगा। उसके बाद 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट बॉलिंग से स्टैट्स अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारे अच्छे प्लेयर हैं, तो शायद अब सब लोगों तो फिर सामने वाली टीम से भी लेने पड़ेंगे, इसलिए शायद मैं बॉलिंग फर्स्ट में ही ट्राई करूंगा, क्योंकि किसी बल्लेबाज को कम करके फिर मैं इनको लूंगा। यहां से सेम दोस्तों यहां पे पाटचा फुटोंगो लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स, सेम इनका भी परफॉर्मेंस लगातार अच्छा है, आखिरी के देखेंगे दिया 5 मैच इनके तो अच्छे खासे विकेट लेके आ रहे हैं, 7 विकेट लेके हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बेंच में जो प्लेयर हैं वो लोग आपको शायद खेलते हुए यहाँ पे ना नजर आए, और सेम प्लेइंग 11 यहाँ पे थाईलैंड बाउंस करा सकता है, बैटिंग ऑर्डर भी लगभग यही देखने को मिलना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों इस मैच की, हमारी दूसरी टीम रहने वाली, बात कर लेते हैं जिम्बाब्वे बाउंस की, लेकिन उससे पहले बता दूं आपको जो फाइनल टीम मिलेगा ना मॉर्निंग में आपको टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा आफ्टर टॉस। यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें, जुड़ना बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, क्लिक करके आपने जुड़ जाना है। 24,000 से 2,000 ऑलरेडी हमारे साथ वहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं, बिल्कुल फ्री है, तो आप भी जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के साथ साथ इंस्टाग्राम ट्विटर का भी लिंक मिलेगा, वहाँ भी फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों जिम्बाब्वे की तरफ से आपको ओपनिंग करते दिखेंगे सारण मेयर्स, उनके साथ ओपन करने आएंगे कैलिस एंडोलो। बात करें दोस्तों मैच के जो कि राइट हैंड बैट्समैन और ब्रेक बॉलिंग करेंगे, एक बैटिंग ऑलराउंडर बॉलिंग बहुत कम करती है, लास्ट के जो 5 गेम खेले 23-39, 23-19 और 33 का स्कोर है, तो बैटिंग से ऑलमोस्ट सब मैच में ठीक ठाक स्कोर किया, लेकिन बॉलिंग से एक ही मैच में बॉलिंग कराई जब इनको विकेट नहीं मिला, तो बॉलिंग नहीं करेंगी। हाँ बड़ा गेम है, 50 ओवर का गेम है, तो हो सकता है एक दो कर जाए, तो एज अ प्लेयर अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, बट और बैटिंग ऑलराउंडर आप कह सकते हैं खेलेंगे। कैलिस एंडोलो की बात करें जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन लेफ्ट आउट तरफ बॉलिंग करेंगे, अब इनका परफॉर्मेंस देखिए 3 विकेट, 42 रन, 0 विकेट, 7 रन, 0 विकेट, 0 विकेट, आखिरी के 4 मैच में इनके नाम 3 विकेट हो चुके, एक ही मैच में इनको मिले हैं, बैटिंग से एक ही अच्छा स्कोर, 42 का शुरुआत के 2 गेम देखेंगे तो यहाँ पर फेलियर भी रहे हैं। एज अ प्लेयर जरूर ट्राई करिए, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करेंगे, एज बहुत ज़्यादा नहीं है, 15-20 T20 मैच का एक्सपीरियंस इनके पास जिम्बाब्वे के लिए, इंटरनेशनल खेल चुके हैं, लेकिन एज है इनका मात्र 17 साल, मतलब जिम्बाब्वे की जब अंडर-19 मैच होती है तो वहाँ भी खेलती हैं, और जब जिम्बाब्वे की नेशनल टीम से खेलना होता है तो वहाँ भी खेलते हैं। बहुत सारे प्लेयर हैं, यूएई टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर मिल जाएं, तीसरा सतीस वगैरह मिल जाएंगे, महिका गौर वगैरह मिल जाएंगे आपको यूएई में, आपने देखा होगा वो लोग मतलब फेयर ब्रेक में भी खेल लिए, यूएई अंडर-19 के लिए भी खेलते हैं, यूएई के लिए भी खेल जाते हैं। तो कुछ प्लेयर हैं जैसे अभी इंडिया टीम में लीजिए शेफाली वर्मा, अभी अंडर-19 की मैचेस खेली थी, प्लस इंडिया टीम को 2-3 साल से इंडिया के लिए भी खेल रही, तो कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं इनके पास इतना टैलेंट होता है कि 15-16 साल की एज में ही 17 साल की एज में ही इंटरनेशनल टीम का डेब्यू कर लेते हैं, उसके बाद अंडर-19 से भी खेलते रहते हैं। तो वही हाल से इसका है, कैलिस एंडोलो काफ़ी मतलब इनके स्टैट्स अच्छे लगे मुझे, आज अब प्लेयर ट्राई करिएगा, सीबीसी के लिए सेलेक्ट नहीं करूंगा, एज काफ़ी कम है, हो सकता है वो उसने आपको पहुँच ना दे पाए क्योंकि सामने स्ट्रॉन्ग टीम है। बात करें दोस्तों यहाँ पे चिफू मुगेरी त्रिपानो की, जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लास्ट के 5 गेम खेले 39-4, 16-5 और 20 का स्कोर है, ग्रैंड लीग में आप रोटेट कर सकते हो। एम मोपा चिकवा विकेट कीपर बल्लेबाज, राइट हैंड बैट्समैन, लास्ट के 5 गेम में 19-17, 22-8 और 4 का स्कोर है, ग्रैंड लीग के अंदर जरूर ट्राई कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों मैरी एनी मोसोंडो की, जो कि ओवर पार्ट टाइम बॉलिंग कर सकती है, राइट हैंड बैट्समैन है, फेयर ब्रेक के अंदर उतना कुछ खास पहुंच नहीं था, लास्ट के जो 4 गेम खेलते 18-1, 6 और 0 का ही स्कोर था, और फेयर ब्रेक में 4 गेम खेले वहाँ बिल्कुल भी कुछ खास नहीं कर पाया, एक मैच में बॉलिंग भी कराया गया था वहाँ भी विकेट नहीं मिला, उससे पहले डोमेस्टिक में जो अपना आखिरी मैच खेलता हूँ 41 रन किए थे, तो इस लेवल पे ठीक ठाक स्कोर कर सकते हैं, एज अ प्लेयर ट्राई कर सकते हो, मतलब फेयर ब्रेक में जाके खेलने का तो एक्सपीरियंस है, भले ही वहाँ पे कुछ नहीं कर पाए तो एज अ प्लेयर आप रख सकते हो। बात करें दोस्तों पहला गिया मुजाजी की, विकेट कीपर बल्लेबाज है, 2-13, 5 और 0 का स्कोर, सिर्फ ग्रैंड लीग ट्राई करेगा। नीचे देखेंगे दोस्तों जोसेफिनी नकोमो, राइट हैंड बैट्समैन, मीडियम पेस बॉलिंग करेंगे, लास्ट के जो 5 गेम खेले 1 विकेट, 0 विकेट, 18 रन, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, हर मैच में 1-1 विकेट निकाल रखा है, तो अपनी टीम में एज ए प्लेयर जरूर ट्राई करेगा, बैटिंग से बैकअप भी देंगे। फिर मरंगे की बात करें, ब्रेक बॉलर है, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, ठीक ठाक ऑप्शन आपके लिए भी हो सकती है, ये भी ठीक ठाक बॉलिंग करेंगे, बॉलिंग फर्स्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि बॉलिंग फर्स्ट में दोस्तों जिम्बाब्वे के बॉलर्स को इसलिए आप पिक कर सकते हो क्योंकि थाईलैंड की टीम पहले बैटिंग करेगी तो 50 ओवर यदि वो खेलेंगे तो उनको विकेट लगभग सारे चले जाएंगे, फर्स्ट बैटिंग में थाईलैंड की टीम के विकेट गिर सकते हैं, तो फर्स्ट यदि बॉलिंग आती है जिम्बाब्वे की तो उनके बॉलर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये लोग विकेट ले सकते हैं क्योंकि बड़ा स्कोर करने के चक्कर में आउट होंगे, लेकिन यदि पहले जिम्बाब्वे की पहले बैटिंग आ जाती है तो हो सकता है लोग बहुत स्कोर ना करें, 100-150 तक सिमट जाए टीम और इजीली फिर 150 तक का टारगेट थाईलैंड की टीम चेंज कर ले, तो वो डिपेंड करेगा मतलब टॉस के अकॉर्डिंग। और यहाँ से ऑडरी मुजिबिसिया की बात करें, राइट आर्म मीडियम है, इनका भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक सा रहा था, 3 विकेट आखिरी 5 मैच में, ग्रैंड लीग ट्राई करेगा। लॉरेन फिर बहुत अच्छी ऑफ ब्रेक बॉलर है, इनके अच्छे स्टैट्स हैं, लास्ट के 2 गेम में जरूर विकेट लेते हैं, लेकिन उसके पहले 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट,
छह विकेट हैं आखिरी के पांच मैच में। और नोमोविलो सिवांडा मस्ट हैव पिक रहेंगे लेफ्ट आर्म पे से किसी मैच में गडलेस नहीं। आखिरी के पांच में देखिए एक विकेट दो विकेट एक विकेट दो विकेट दो विकेट आठ मैच हैं आखिर आठ विकेट हैं आखिर के पांच मैच में। तो मस्ट हैव पिक लेफ्ट आर्म पे से बॉलिंग करती हैं, वैसे भी लेफ्ट आर्म पे से बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों जो बेंच पे प्लेयर हैं वो आपको शायद ना खेलते हुए देखें, और सेम प्लेइंग 11 जिम्मे कर सकते हैं, बैटिंग ऑर्डर भी लगभग यही देखने को मिलना चाहिए। अब दोस्तों इस मैच का टीम क्या, चलिए हम टीम देख लेते हैं। लेकिन जो फाइनल टीम मिलेगा ना मॉर्निंग में आपको अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, ऑलरेडी वहाँ पर 24,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, जुड़ना एकदम फ्री है। डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके तुरंत टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन से मैं एंग कोचोंग अजीब नाम है यार, एंग कोचोंग करंगे तो इनको मैं पिक करके जा रहा हूँ। और यहाँ से मुकाशी को भी ठीक ठाक ऑप्शन हो सकती है, आप इनको भी ट्राई कर सकते हो। कोंचोरोंगकाई, देखिए अब मैंने सही नाम ले लिया इनका, एंग कोचोंग करोंगकाई जो भी यार नाम है यार छोड़िए, तो आप इनको पिक कर लीजिए क्योंकि ओपन करेंगे। बैटिंग सेक्शन से मैंने तीन प्लेयर लिए हैं मेरी टीम में, यहाँ से एंड चैंथम है, यहाँ से एस मेयर्स हैं, नीचे से लगते दोस्तों मैंने यहाँ से एस मोसोंडा को अपनी टीम में रखा हुआ है। कोनो भी ठीक ठाक ऑप्शन, रोटेशन लाइक प्लेयर है, चेवाई को भी आप ट्राई कर सकते हो, मुगेरी ट्रिपांडो भी ठीक ठाक ऑप्शन हो सकती है। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन दोस्तों मैंने चार प्लेयर लिए हैं, कैलेश एंडुलू मस्ट है पिक, सोरान टिपोज भी मस्ट है पिक, जे एंकोमो भी मस्ट है पिक, और ऐसे मैंने चानिदा सुथरियांग को लिया, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाली। तो दोस्तों बाकी यहाँ पे कोई इतना अच्छा ऑप्शन है नहीं। और बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो ऐसे मैं तीन प्लेयर लेके जा रहा हूँ, यहाँ से एन सिवांडा मस्ट है पिक, ओ कोचम्फू और ऐसे एन बूचाथम, तीन के तीनों इंपॉर्टेंट है। लाउमी को मैं ट्राई करना चाहता हूँ, लेकिन स्पेशली थाईलैंड की पहले बॉलिंग आएगी तभी मैं ट्राई करूँगा। यहाँ से लाउमी हो गई और नीचे देखोगे तो एक दो प्लेयर और हैं, यहाँ से पुटोंग हो गए, ये भी टी पुटोंग भी बहुत अच्छे बॉलर हैं, बॉलिंग फर्स्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें दोस्तों कैप्टन वर्स्ट कैप्टन टीम की फाइनल प्रीव्यू की, दोस्तों कैप्टन में करा हुआ है ऐसे चानिदा सुथरियांग को, वाइस कैप्टन है सोरनारिन टिपोज, दोनों ही ऐसे प्लेयर हैं जो मिडल ऑर्डर के अंदर आपको बैटिंग करते हुए देखेंगे, प्लस आपको अच्छा खास इनसे बॉलिंग देखते हुए मिलेगा। आठ से दस ओवर ये भी डाल सकती हैं, आठ से दस ओवर भी डाल सकती हैं। तो हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, इन दोनों को आप बॉलर्स में से भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कोंचोंगफू जो भी इनका नाम है, ये अच्छा वो डोमेस्टिक में करके आ रही, बैटिंग से ट्राई करना चाहें नेथकम चैंथम काफ़ी टैलेंटेड बल्लेबाज है, इनको कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। बाकी जिम्बाब्वे टीम से मुझे कोई इतना बढ़िया ऑलराउंडर लगा नहीं, लेकिन जो नकोमो हो गई और इसके अलावा कैलेश एंडुलू हो गए, इन लोगों को भी जीएल में जरूर बना सकते हो क्योंकि दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे। बाकी स्मॉली की टीम में रहने वाला है और इसी टीम से मैं स्मॉली कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूंगा, हालांकि फाइनल टीम नहीं है क्योंकि टॉस के बाद इसमें थोड़ा बहुत अपडेट हो सकता है, लेकिन जो भी मेरी फाइनल टीम होगी आफ्टर टॉस मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, जहां पर जुड़ना एकदम फ्री है। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आपने क्लिक करना है और ज्वाइन हो जाना है। 24,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी यहां पर ज्वाइन हो चुके हैं, बिल्कुल फ्री है, तो हर कोई ज्वाइन कर रहा है। यदि आपने नहीं ज्वाइन किया तो तुरंत ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के साथ इंस्टाग्राम ट्विटर का भी लिंक मिलेगा, वहीं भी फॉलो कर लीजिए। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी किया अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो वॉच करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।